आज का टॉपिक है फिलिप्स को। जी हाँ, फिलिप्स भाई साहब ने एक तरीका बताया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। इनका कहना भी उस थियोरी को सपोर्ट करता है कि ट्रू इन्फ्लेशन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही आता है। वो कहते थे कि अगर आप चाहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका कहना था अगर थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो महंगाई दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी वीडियो में दिया था, लेकिन एक बार वापस समझ लीजिए। आपको घर पे कारपेंटर की जरूरत है और सारे के सारे कारपेंटर जो आपके शहर में हैं वो बिजी हैं, उनके पास बहुत सारा काम है। तो आप फिर भी उनको बुलाने गए कि क्या आप हमारे घर पे काम करने आएंगे, तो वो बोलेंगे हम नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है काम से। तो आपने ऑफर किया कि अगर आप हमारे घर पे काम करने आएंगे तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। क्योंकि आपने ज्यादा पैसे का लालच दिया तो शायद वो काम करने आ सकते हैं। इसका मतलब आपको वही काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े, तब जाके आपका काम हुआ। अगर 1000 रुपीज का काम था तो आपने बोला कि मैं 1500 दूंगा, तब जाके कारपेंटर आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काम था। अगर वो पहले से प्री ऑक्यूपाइड नहीं होता, अगर वो अनएम्प्लॉयड होता, तो वो शायद 800 रुपीज में आने के लिए भी रेडी हो जाता या 700 रुपीज में आने के लिए भी रेडी हो जाता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काम था इसलिए आपको 1000 रुपीज का काम 1500 में करवाना पड़ा। तो इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब हमको वही काम ज्यादा पैसे देके कराना पड़ता है उसी को महंगाई बोलते हैं। तो फिलिप्स भाई साहब ने बोला कि अगर काम नहीं होता, अगर वो अनएम्प्लॉयड होता, अगर आपकी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपका काम सस्ते में भी हो सकता है। और इसी चीज को उन्होंने कर्व से समझाया, जो अभी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फिलिप कर्व पिनपॉइंट्स द नीड ऑफ हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इफ नॉन इन्फ्लेशनरी प्राइस स्टेबिलिटी इज टू बी अचीव्ड। उनके हिसाब से थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो सोसाइटी के अंदर। द कर्व इंडिकेट्स दैट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी आर नॉट कंपेटेबल गोल्स। तो वही बोल रहे हैं कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो आप प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। द कर्व वाइल एक्सप्रेसिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इंडिकेट्स दैट एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिलो अ सर्टेन लेवल वुड रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। उन्होंने यही बोला कि अगर आप एक हद से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसी चीज को इन्होंने ग्राफ से समझाया है। देखिए, जिस रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए 6% है तो वहां पे इन्फ्लेशन सिर्फ 2% है, लेकिन जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होकर 3% पे आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ के 5% पे चला गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उनका कहना यही था, अगर कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट हुआ सोसाइटी में तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। दिस फिनोमिनन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कर्व कॉल्ड फिलिप कर्व नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर। और इस फिनोमिनन को हम लोग फिलिप कर्व के नाम से जानते हैं। In this diagram, AB is the Phillips curve which express the inverse relationship between rise in employment and rise in prices. इस डायग्राम में AB जो है ये Phillips curve है और ये बता रहा है इनवर्स रिलेशनशिप होती है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। Easy. मुझे उम्मीद है आपको फिलिप का बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम जैसे क्रिएटर्स को भी थोड़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।